हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए, मैंने थाली तैयार किया है और वो भी कुकर में झटपट बनाया है। तो कुकर में ही जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं दाल चावल और सब्जी एक साथ। तो ये तरीका आप भी देखिए, बहुत आपका काम आने वाला है ये वाला। और देखिए, इसमें आपको सब्जी मिलेगा, आलू हो, चाहे आप आलू चना या फिर आलू मटर को भी सब्जी आप बना सकते हो। दाल फ्राई है और यहाँ पर मैं दही ले ली हूँ, सिंपल दही है, सिर्फ नमक मिर्च डाली हूँ। चाहो तो आप यहाँ पर रायता बना सकते हो दही का। और ये सलाद है और कुछ कुरकुरे भिंडी है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए, चावल और दाल को पहले हम धो लेते हैं अच्छे से। इसे अच्छे से धो लेते हैं 2 या 3 पानी। और ये आलू रखी हुई हूँ, आलू को मैं धो ली हूँ, बस चावल दाल धोना बाकी है। तो इसे 2-2 पानी हम इसे धो लेते हैं, जिससे हमारे जो दाल अच्छे से साफ़ हो जाएगा और चावल भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो 2 पानी इसे धो लीजिए अच्छे से। ये देखिए, इसे मैं धो ली हूँ और इसमें पानी डाल दी हूँ दाल में, और चावल में भी अब पानी डाल देते हैं। तो जैसे आप जितना चावल लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि जो भी मैं यहाँ पर, मेरे पास एक डब्बा है जिसमें मैं नापती हूँ, करीब वो 200 ग्राम या 250 ग्राम एक पाव के करीब उसमें शायद चावल आता है। तो उसी का डबल मैं लेती हूँ यहाँ पर। तो वैसे ही आप जिस बर्तन से नापते होंगे, कई लोग गिलास रखे रहते हैं नापने के लिए, तो गिलास में अगर आप 1 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास पानी डालिए। तो मैं ऐसे ही पानी डालती हूँ। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके डिब्बा में, खासकर इस डिब्बा में फ्रेंड 1 पाव चावल बन जाता है, उससे ज़्यादा होने से कि आप चावल बाहर आ जाता है। तो आपको देखना है कि जो है एकदम ज़्यादा चावल हमको नहीं भरना है कि ओवरलोड हो जाए, वो बाकी चावल बाहर गिर जाएगा। तो इसमें जितना कैपेसिटी है उस डिब्बे में, उतना ही आपका चावल बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए बनाने के टाइम। और उसके बाद देखिए, कुकर में नीचे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 गिलास पानी। और उसके बाद ऐसे कुछ भी स्टैंड वगैरह हम रख देते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बर्तन को रखते हैं तो पानी जब उबाल आता है तो दाल या चावल के ऊपर आ जाता है, अंदर आ जाता है। इसीलिए इसे मैं थोड़ा सा स्टैंड लगा के रखती हूँ। अगर स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा कटोरी प्लेट, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं रहना चाहिए, उस टाइप से रखिए जो हमारे कुकर में आसानी से आ जाए और ढक्कन हमारे अच्छे से बंद हो जाए दोनों डब्बा रखने के बाद। तो इस टाइप से रखना है। और मैं कुछ आलू ली हूँ, तो आलू को देखिए साइड साइड ऐसे डाल देती हूँ इसमें। और कई लोग क्या करते हैं, दाल में भी आलू को डाल के उबाल लेते हैं, फिर दाल से अलग निकाल लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और चना वगैरह अगर आपको बनाना है, चना या मटर कुछ भी, तो उसको भी आप नीचे कुकर में रख सकते हैं फ्रेंड उबालने के लिए। और अगर आपके पास 3 डब्बा वाला कुकर है 8 लीटर का, तो तब तो बहुत ज़्यादा आसान है। एक में आलू मटर रख दीजिए और एक में दाल और एक में चावल, तो ऐसे ही बहुत अच्छे से बनता है। और यहाँ पे मैं दाल फ्राई बनाऊंगी, तो उसमें हल्दी और टमाटर डाल दी हूँ दाल में, और नमक डाल दी हूँ। और ये चावल में देखिए जीरा डाल दीजिए, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, और थोड़ा सा घी डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा राइस के लिए। और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे कि तेज़पत्ता है, एक बड़ा इलायची है, 2-4 गोल मिर्च है, जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं। तो यही सब बस थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आप कुछ और डालते होंगे जीरा राइस में, तो यहाँ पर हल्का सा आप डाल सकते हैं उसे, और थोड़ा सा घी डाल दीजिए इसमें। और अगर आप घी का फ्लेवर पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल 1 चम्मच या 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी बर्तन, मतलब छोटा सा प्लेट वगैरह जो कि हमारे इस डिब्बे को कवर करे, उतना बड़ा हमें यहाँ पर एक प्लेट लेना है। और इसमें नींबू रस निचोड़ दीजिए फ्रेंड, नींबू रस से चावल खिला खिला बनता है। और उसके छिलका को आप नीचे कुकर में ही डाल दीजिए, जिससे कि कुकर जो है वो साफ़ हो जाता है नींबू के कारण से। तो कई लोग कुकर को साफ़ ऐसे ही करते हैं, नींबू के छिलके को डाल के, या फिर इमली वगैरह को ये कुकर में डाल के साफ़ करते हैं, कुकर एकदम चकाचक हो जाते हैं। तो ये देखिए प्लेट रख ली हूँ, और यहाँ पर हम प्लेट के ऊपर भी कोई भी चीज़ जो उबालना है उसे रख सकते हैं, जैसे आलू है, मटर है, चना है, उसे भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए 1 सीटी हो गया है, अब इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ कुकर को। तो 1 सीटी होने के बाद कुकर को ठंडा कर लीजिए। और इसी बीच, जब तक हमारे कुकर में सीटी हो रहा था, इसी बीच मैं प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन काट के रख ली थी, जिससे कि हमारा सब्जी और दाल बनाने में इजी होगा। तो आसानी से निकल जाता है फ्रेंड ढक्कन। अब उसके बाद आराम से, क्योंकि कुकर थोड़ा सा गर्म रहता है, अगर चाहो तो आप ठंडा करके निकालिए। तो ये देखिए, ये आलू को अलग कर लीजिए, और ये जो पानी है प्लेट के ऊपर उसको थोड़ा सा नीचे गिराते हुए निकालिए, चावल में ना गिरे उस टाइप से। अब उसके बाद दोनों डब्बे के हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा चावल, ये देखिए पक गया है, बहुत अच्छे से पका है, और जीरा राइस तैयार हो गया है।
अगर आपको सिंपल चावल बनाना है सिंपल बना सकते हो, और अगर आपको पुलाव बनाना है तो बाकी सभी सब्जी को भून के यहीं पर डायरेक्ट आप डाल सकते हो, सेम ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है और एक साथ सब फटाफट भी बन जाता है। तो वह इसमें बर्तन भी आपका कम यूज़ होता है, समय भी बचता है, तो बहुत सारा इसमें फ़ायदा होता है फ्रेंड इससे। और आपका अगर वर्किंग वूमेन है तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है ये वाला जो ट्रिक है। तो देखिए नीचे कुकर में नींबू जो उबल गया है तो उससे साफ हो जाएगा हमारा जो कुकर। और ये देखिए आलू को भी बाहर निकाल ली हूँ, आलू को ठंडा होने पे आप छील लीजिए और चाहे तो पीस पीस कर लीजिए या फिर मसल लीजिए, जैसे आपको सब्जी बनाना है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी वाला सब्जी बनाना है तो ग्रेवी तैयार कर लीजिए टमाटर प्याज वगैरह पीस के, और नहीं तो ऐसे ही हम सूखा सब्जी बना सकते हैं आलू मसाला। और ये देखिए दाल, दाल में भी टमाटर हम डाल चुके थे, टमाटर हल्दी और नमक हमारा डल गया था इसमें, तो इसे बस चाहो तो ऐसे फेंट लीजिए, और नहीं अगर आपको फेंटना है तो भी आपका ऐसे ही आप बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसे मैश कर लेती हूँ मथनी जो बोलते हैं उसकी सहायता से। अब देखिए कढ़ाई में तेल गरम करने रख दीजिए थोड़ा सा दाल फ्राई के लिए, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हींग और जीरा या फिर सरसों जो आपको पसंद हो, क्योंकि हम लोग दाल पकाने के टाइम हींग नहीं डाले थे, तड़के में डालना है इसलिए मैं हींग वहाँ पे नहीं डाली थी। अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी दाल में हींग डाल सकते हो, तो मैं तड़के में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए तड़के के लिए उसे वहाँ पर छोड़ के रखी थी। तो देखिए तेल यहाँ पर जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा हींग ये दोनों डाल देते हैं। चाहो तो यहाँ पे जीरा भी आप डाल सकते हो, जैसे आप दाल फ्राई करते हो वैसा कर सकते हो, आपको जैसा पसंद है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज मिर्ची और थोड़ा सा थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ है जिसे मैं बारीक कट कर ली थी 4-5 लहसुन को, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है मेरे पास तो उसे भी डाल दी हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे 2 खड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तीखा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च डाल रही हूँ 2-3, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तीखा होने से मेरा जो बेटा है वो खाएगा नहीं, कभी कभी तीखा हो जाता है इसीलिए, तो यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसको दाल फ्राई बहुत पसंद है। और हम हल्दी तो डाल चुके थे फ्रेंड, तो यहाँ पे हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक भी हमारे दाल में डला हुआ है तो सिर्फ दाल को हम इसमें डाल देंगे, बाकी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो लास्ट में आप धनिया पत्ती काट के इसमें डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस दाल आपका ऐसे ही तैयार हो गया और दाल फ्राई और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मेरे पास धनिया पत्ती अभी नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ अभी फ्रिज मेरा ख़राब है तो धनिया पत्ती मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो दाल अगर आपका गाढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी मिला दीजिए और उसके बाद इसे एक उबाल आने दीजिए, फिर आपका दाल फ्राई तैयार है। बहुत जल्दी बनता है ये वाला जो ट्रिक है, एकदम कुकर में फटाफट दाल और चावल सब एक साथ उबल जाता है। तो ज़रूर आप अगर ऐसा ट्रिक नहीं आजमाए तो एक बार आजमा के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रिक है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है हम लोग जब छोटे थे तो भी ऐसा बनाती थी। हम लोग के मेरी मम्मी के पास 3 डब्बा वाला था बड़ा कुकर था उस समय 8 लीटर का, अभी भी है वो वाला कुकर, तो उसमें दाल चावल सब्जी सब एक साथ बन जाता है ऐसे ही। तो आप सब्जी को फ्राई करते हैं दाल बनने के बाद, तो सब्जी के लिए देखिए तेल गर्म होने रख दी हूँ और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा डाल देंगे हींग और प्याज मिर्ची और जो लहसुन और कड़ी पत्ता जो हमने काट के रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे इसमें। तो देखिए अच्छे से चटकने दीजिए सरसों को, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे सब्जी में। अभी जो प्याज मिर्ची और लहसुन जो काट के रखे थे उसे डाल दीजिए, इसमें कड़ी पत्ता भी डाला हुआ है, यही सेम चीज़ हम दाल में भी डाले थे और आधे को हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखा ना बहुत जल्दी हो जाता है फ्रेंड, बस बस फटाफट आपको बस तैयारी करके रखना पड़ता है और झटपट सभी तैयार हो जाएगा। आपका लंच है या फिर डिनर में आप बना रहे तो कुछ भी फटाफट। तो इसे थोड़ा सा भूनने दीजिए और इसमें हम हल्दी डालेंगे क्योंकि वहाँ पर आलू को हम सब्जी बना रहे हैं तो यहाँ पे हल्दी डालना है इसलिए हम यहाँ पे हल्दी डाल देंगे प्याज में। अगर आप चाहो तो आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो तो यहीं पर आप लहसुन मिर्ची और टमाटर पीस के यहीं पर डाल सकते हो और उसके बाद वो ग्रेवी बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जब मसाला आपका भून जाएगा तो, और उसके बाद आलू को पीस पीस काट के डाल दीजिए, और अगर चाहो तो आप आलू को हल्का सा सेलो फ्राई भी करके रख सकते हैं उसके बाद भी डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा ग्रेवी वाली सब्जी बनता है फ्रेंड ये वाला।
नेक्स्ट टाइम वो वाला वीडियो मैं आपको बताऊंगी, जो आलू की सब्ज़ी जो बोल रही हूँ वाली। अभी सिर्फ यहाँ पे आलू की चटनी टाइप से जो बनता है मसाला वही बना रही हूँ सूखा। तो देखिए हल्दी डाल देती हूँ यहाँ पर, और आलू है उसे मैं हल्का सा मसल दी हूँ। अगर आपके पास टाइम है आपको कट करके रखना है तो कट करके डाल दीजिए, या फिर ऐसे हाथ से ही मसल के डाल दीजिए, जैसा आपको बनाना है वैसे आप इसे बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नमक डालना है, यहाँ पर नमक डाले नहीं थे आलू में तो यहाँ पर नमक डाल दीजिए। और अगर आप सूखे मसाले जो आपको डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, वो सभी आप यहाँ पर डाल दीजिए। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद देखिए हमारा आलू पक गया है। वैसे तो पक ही गया था, अब बाकी मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, या फिर अमचूर पाउडर हल्का सा डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए गरम मसाला। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो धनिया पत्ती आप कट करके यहाँ पर डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनता है फ्रेंड ये वाला मसालों को आप चाहो तो इसे डोसा में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सैंडविच बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे ही दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। तो ये जो आलू की सब्ज़ी बनी है बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए ये हमारा थाली तैयार हो गया है। ये रहा हमारी आलू की सब्ज़ी, ये रहा दाल फ्राई, और ये है जीरा राइस, और ये दही, और ये कुछ सलाद है, और यहीं पर मैं कुरकुरे भिंडी बनाई थी सवेरे तो वो है। तो आपको मेरा ये थाली रेसिपी कैसा लगा, कुकर में बनाने का तरीका ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और कुछ और आपके पास आइडिया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।